आज अक्षय तृतीया का पर्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा में वैसे तो हर दिन उत्सव का माहौल बना रहता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में प्रतिदिन लाखों की तादाद में देश दुनिया के कोने कोने से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आज अक्षय तृतीया के पर्व पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब वृंदावन में उमड़ पड़ा है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। यातायात व्यवस्था ध्वस्त ना हो इसी के लिए शहर भर में बैरिकेडिंग की गई है। बहुत अच्छा लगा बांके बिहारी दर्शन के लिए, मैंने बहुत अच्छा लगा। और चरणों में इतनी भीड़ थी कि आदमी का दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और दर्शन करके मेरा बड़ा सौभाग्य गया जो मैं दर्शन किए बांके बिहारी जी के आज। और इतनी लोग जनसंख्या में दिल्ली हरियाणा हर जगह से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के। नहीं, मैं तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, पर यहाँ पे लोग कुछ लोग तो मेरे साथ जो आए हैं वो पहली बार आए हुए हैं वृंदावन में, और उन्होंने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला वहाँ पे आज मुझे। बहुत अच्छा लगा बांके बिहारी जी के मंदिर में, दर्शन बहुत ही दुर्लभ थे आज, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है कि वहाँ एक तिल फेंकने की भी जगह नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी की कृपा से किसी को दर्शन होंगे, बाकी हमने आंखें बंद करके ठाकुर जी के बिहारी जी के बस मन ही मन दर्शन किया। लुधियाना से परिवार से ही था, ये हमारा परिवार है।